एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हैंड में ये मेलानॉन एक्सल क्रीम, जिसका मैं फुल रिव्यू शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो, क्योंकि जो पिगमेंटेशन मेलाज्मा झाइयों से जूझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगा लगा के थक गए हैं, तो ये वीडियो उनके लिए स्पेशल बना रही हूँ मैं। एंड फुल डिटेल्स में बात करेंगे कि इसको कैसे यूज़ करेंगे, स्किन को कैसे ये बिल्कुल ठीक करेगी आपकी। तो पूरी वीडियो ज़रूर ध्यान से देखें, बिल्कुल स्किप ना करें, वरना आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, फिर आप बोलेंगे हमें ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले। मैं फुल डिटेल्स में बात करती हूँ, कोई भी स्टेप नहीं छोड़ती हूँ। तो आप ज़रूर ध्यान से ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आपके बहुत काम की है ये। तो मैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं, काफ़ी यूज़ किया हुआ ये ट्यूब है, कोई न्यू पैकेजिंग नहीं है ये। तो इसे मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ पिगमेंटेशन पर, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो सही यूज़ करने का तरीका आपको बताऊंगी कि ये किस तरीके से आप यूज़ करेंगे तो आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। इस फुल वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन से एज टाइप के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, किसके लिए बेस्ट है। तो फुल वीडियो ज़रूर ध्यान से देखें, क्योंकि आप कई बार लोकल प्रोडक्ट ले लेते हैं, फिर आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, फिर आप कहते हैं कि ये क्रीम अच्छी नहीं है। हम क्रीमों के ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि हमें लगाने का सही तरीका तो पता ही नहीं है, स्किन केयर करने का भी हमें ढंग नहीं होता है। तो इसी वजह से काफ़ी बार साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाते हैं स्किन में। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसी हेल्पफुल कंटेंट लाती रहती हूँ आपके सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो ये क्रीम के बारे में मैं फुल डिटेल में बात करूँगी। तो मैं बताती चलूँ आपको, ये मेलानॉन एक्सेल क्रीम है, इसका शायद XXL भी क्रीम आती है, तो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। जहाँ पर ये लिखा हुआ है, जहाँ आप सही से देखिए, यहाँ पे मेलानॉन एक्सेल क्रीम लिखा है। काफ़ी बार डुप्लीकेट प्रोडक्ट ले आते हैं आप, तो आपको काफ़ी साइड इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट तो सही होते हैं, मगर जो सही पिगमेंटेशन मेलाज्मा के लिए नहीं होते हैं, इसीलिए हमको काफ़ी बार साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। अगर आपको पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हाइपर वाली हो रही है, तो आप ज़रूर से ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी क्रीम है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको तभी देखने को मिलेंगे। मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताऊँगी कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं और किस तरीके से आप यूज़ करेंगे तो आप इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके की ये निकलती है। तो कुछ इस तरीके की ये निकलती है, आप देख सकते हैं काफ़ी ट्यूब खाली हो चुका है। तो यहाँ पे ये थोड़ा वाइट टेक्सचर निकलता है, मैं आपको खोल कर इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप कोई भी गलत प्रोडक्ट ना ले लें। यहाँ पे देखिए, तो कुछ इस तरीके की निकलती है ये, मैं आपको लगा कर भी बता देती हूँ ताकि आपको कोई भी मिस्टेक ना हो। तो आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके का टेक्सचर है इसका, एंड स्किन में ईजिली अब्जॉर्ब भी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई चिपचिपाहट वाला फील भी नहीं देती है, एंड स्किन को डे बाय डे रेडिएंट भी करती है। अगर आपको आपका स्किन कलर कहीं कहीं पर काले काले से दाग पड़ रहे हैं, स्किन में पिगमेंटेशन हो रही है, झाइयाँ रिंकल्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप प्रोडक्ट ये ज़रूर से ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बेस्ट है। ये काले दाग धब्बों को मिटाने के लिए भी, पिम्पल्स का नहीं है ये। अगर आप पिंपल्स में यूज़ करने का सोच रहे हैं, तो बिल्कुल भी पिंपल्स में लगाने का प्रोडक्ट नहीं है ये, मेलाज्मा झाइयों और पिगमेंटेशन के रिलेटेड ही ये ट्यूब बना रही हूँ। आगे बताऊँगी कि किस किस कौन कौन इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखे हैं, आप ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी होता है हमारे पढ़ने के लिए। क्योंकि यहाँ पे बताते हैं कि सबसे बेस्ट पार्ट मैं बताना चाहूँगी, अगर आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप सनलाइट में बिल्कुल ना जाइए, यानी कि धूप में बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि आपको अच्छे रिजल्ट फिर देखने को नहीं मिलेंगे। कर लेते हैं इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात और इसको लगाने के तरीके। तो यहाँ अगर आप घर से बाहर नहीं निकलते, यानी कि आप घर में ही रहते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं मॉर्निंग में और नाइट में। नाइट स्किन केयर रूटीन में भी इसको ऐड कीजिए और मॉर्निंग में भी, क्योंकि अगर आप धूप में नहीं जाते हैं तो, और जो धूप में जाते हैं वो नाइट में इसको यूज़ करें, रिलैक्स होकर सो जाएँ। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप कोई अच्छा फेस वॉश, यानी कि पिगमेंटेशन वगैरह मेलाज्मा का कोई अच्छा फेस वॉश आता है तो फेस वॉश यूज़ करें। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप साबुन यानी कि सोफ का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो पिगमेंटेशन को सबसे ज़्यादा बढ़ाने में केमिकल हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, यानी कि केमिकल जो होते हैं हमारी स्किन में रिंकल्स पिगमेंटेशन को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स प्रोडक्ट मिले हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा जो बेकिंग सोडा का
प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है उसमें, तो आज से ही सोप और साबुन दोनों ही बंद करें। कोई भी कितना भी अच्छा साबुन हो आप उसको यूज़ ना करें, क्योंकि फेस वॉश हो ना वो जेंटल होते हैं, कोई भी हार्मफुल केमिकल उसमें नहीं होते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर कोई फेस वॉश यूज़ करें। अब बात कर लेते हैं कौन कौन स्किन के यूज़ कर सकते हैं। अगर 18+ लड़कियों को काले दाग धब्बे हो रहे हैं तो वो इसको यूज़ कर सकती हैं, एंड अदरवाइज उसको कम से कम यूज़ करें, नाइट में यूज़ करें 18+। कर अगर 25 और 13+ यानी कि 25 से 30 साल, 35 से 40 साल की जो वुमेंस हैं वो भी इसको यूज़ करें, वो यूज़ कर सकती हैं 2 टाइम्स अगर धूप में नहीं जाती हैं, अगर धूप में जाती हैं तो वो 1 टाइम यूज़ करें नाइट में। तो आई होप इसके सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, और साइड इफ़ेक्ट मैं बता चुकी हूँ कि अगर सनलाइट में जाएंगे तो ही साइड इफ़ेक्ट मिलेंगे, वरना नहीं। टेक केयर, स्टे सेफ।